Hello guys, good afternoon to you all. Happy Sunday to you all. Hello Rabiul, hello future doctor, hello Varsha, hello Chavi. Nice to see you all here, and today we are going to talk about a topic that is slightly apart from your academic, right? So aaj kyunki Sunday hai aur har Sunday ko hum log usually thoda sa apne aap ko relax karte hai na. एवरी डे पूरे हफ्ते हमने पढ़ाई की है, अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, राइट? हमें तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ स्टूडेंट वी हैव टू लर्न सो मेनी सब्जेक्ट्स, राइट? आपके पास स्पेशली जब नीट के लिए अपियर करो तो आपको चार सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी. तो क्यों ना थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करते हैं, थोड़ी सी यू नो लर्न अबाउट सर्टन अदर थिंग्स जो हमारे अर्थ की ही बात, हमारे अर्थ का ही पार्ट है. Right? So we'll talk about all those things today. थोड़ा सा relaxation होगा, छोटा सा session है ना, जो हमें थोड़ा सा endorphins को release करने में help करेगा. We'll feel good about the world, है ना? So हम उसी के बारे में आज बात करेंगे यहाँ पे. Hello अजंता, hello मृत्युंजय. So I'm gonna start with the topic that is nothing but there are so many beautiful animals or beautiful creatures found in our earth, in our world, but some of them are very poisonous. So we should never let beauty deceive our eyes. है ना, हमें ये भी देखना है कि अगर वो एनिमल ब्यूटीफुल है, बिल्कुल वो ब्यूटीफुल है, लेकिन वो पॉइजनस है. इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे मार देना है कि यार ये पॉइजनस है, ये मुझे मार देगा, चलो इसको मार देते हैं. नहीं, वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट? उनको भी जीने का हक है. बीइंग अ ह्यूमन, हमारे पास भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है. हमारा सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा दिमाग, राइट? और भी बहुत कुछ, हमने मार्शल आर्ट्स एंड एवरीथिंग, हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से. लेकिन ये लोग छोटे हैं, इजीली दे कैन बिकम अ प्रे. सो दे हैव सर्टेन मैकेनिज्म जो उनको पावरफुल बनाता है, उनको पॉइजनस बनाता है, और दैट हेल्प देम टू सर्वाइव, जो उनको हेल्प करता है कि वो जिंदा रहे, है ना, उनकी स्पीशीज की कंटिन्यूएशन हो. हेलो प्रशंजीत, हेलो शमिता. So let's start with our topic that is nothing but beautiful but poisonous creatures all over the world. तो हम सबके बारे में बात करेंगे, क्या क्वालिटी है उनमें, ऐसी क्या poisonous क्वालिटी है वो भी देखेंगे. शुरू करने से पहले I welcome you all to Neat Voya channel, a channel on the platform of an academy, and I am Swagata Mukherjee and I have more than 5 years of experience in teaching. I have taught in major offline institutions of India, and while teaching there I have produced many results. AIR rankings in institutions like AFMC, in ISER Pune, and also major MBBS colleges of India. I have also worked as a JRF, that is Junior Research Fellow, in IISc Bangalore, and then I thought I should join the academic and the noble profession of teaching. So, जैसे कि आपको पता है आज संडे है, अगेन तो हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो वहां आप लाइव क्लासेस के लिए आ सकते हैं. स्पेशली आज मेरा 2 बजे से लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है. कौन से चैप्टर के ऊपर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो आपकी जितनी भी डाउट्स हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, वो सारी की सारी आप मुझसे पूछ सकते हैं वहां पे. तो हम लोग मिलेंगे आज 2 बजे इस सेशन के खत्म होने के बाद, राइट? कहां पे? अनअकैडमी लाइव लर्निंग ऐप पे, राइट? वहां पे मेरा स्पेशल क्लास है, राइट? तो जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि स्पेशल क्लास में आने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट? तो आप प्लीज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपलोड कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए अपने डिवाइस पे. और वहां पे लाइव क्लासेस के फायदे क्या क्या है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि हाँ, यूट्यूब में अगर मैं डाउट क्लास लू. हेलो आलोक, हेलो गुनगुन, हेलो अजंता. हाँ जी, तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि अगर मैं यूट्यूब पे लाइव डाउट क्लासेस लूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉमन ओपन चैट बॉक्स है, राइट? सबका चैट हमेशा दिखता नहीं है, ऊपर चला जाता है, सबकी मैसेजेस मैं देख नहीं सकती हूँ, है ना, और बहुत डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं. तो वहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि एवरीबडी कम्स विद ओनली वन माइंडसेट कि हमें पढ़ना है, हमें नीट क्रैक करना है, तो चलो सब लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है, टॉपिक पे पढ़ाई होती है, रिलेवेंट पढ़ाई होती है. तो आप वहाँ पे मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हो. आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन वाले बॉक्स में डाल सकते हो. और क्या क्या फायदे हैं? लाइव पोल्स होते हैं, जो आज भी आपका होने वाला है. मैं आज सिर्फ डाउट सेशन ही नहीं, मैं आपको MCQs भी दूंगी,
मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके नीट में आ सकता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे. वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी एज अ क्विज, आपको आंसर देना है. चार ऑप्शन होगा जो आपका नीट का पैटर्न है, आप तुरंत आंसर दीजिए. लाइव पोल्स में लीडर बोर्ड क्रिएट होता है, वो लीडर बोर्ड में आपके साथ लाइव शेयर कर सकती हूँ. वहाँ अपना परफॉर्मेंस आप खुद देख सकते हो, अपनी रैंकिंग आप खुद देख सकते हो. तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है जो आप नीट के एग्जामिनेशन देते वक्त भी आपको वही सेम चीज फेस करना होगा. राइट नाउ नेक्स्ट वी हैव टेस्ट सीरीज. तो टेस्ट सीरीज इसे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होता है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे टेस्ट हो रहा होता है. तो वो टेस्ट देने के बाद आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो. आपको ये पता चल सकता है कि आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. और जो सबसे बेस्ट फीचर है, जो आज भी हम होने वाला है हमारा है ना लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन 2 बजे, जूलॉजी का आपका 2 बजे आज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है ऐप में. राइट, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, वहां पे 2 बजे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगी. ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म का. और अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा. वहां पे जाके आपको टाइप करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप, आप इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि प्लस, फ्री कोर्सेस एंड स्पेशल क्लासेस. राइट, तो स्पेशल क्लासेस एंड फ्री कोर्सेस ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. इनके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. प्लस के लिए आपको ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अफोर्डेबल भी है, प्लस उसकी क्वालिटी बहुत बेटर होती है ना. प्लस स्टडी की क्वालिटी बहुत बेटर होती है. तो आप प्लस पे क्लिक कीजिए, नीट यूजी पे क्लिक कीजिए एंड देन यू गेट द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं. जैसे कि सपोज आप नीट 2021 के लिए अपीयर कर रहे हो, मे बी आपने एक साल ड्रॉप किया हुआ है या मे बी आप 12th में हो और आप नेक्स्ट साल के लिए नीट के लिए अपीयर करोगे. राइट, तो आप ये 12 मंथ्स वाला दैट इज एक साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको पर मंथ सिर्फ 2500 देना पड़ेगा. आप नीट 2022 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज 2 साल आपके हाथ में अभी भी है, तो किसी भी ज्यादा पैसा खर्चा करके है ना, आपको पता है कि बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस वगैरह में बहुत लाखों रुपए खर्चा हो जाता है. तो इजी वे में आपको ऑनलाइन स्टडी अगर करनी है और जेन्युइन ऑनलाइन स्टडी करनी है, तो आप ये 24 मंथ वाला ले सकते हो, दैट इज 2 ईयर्स, जिसमें आपको पर मंथ सिर्फ 1500 रुपए देना है, 1500 ओनली, जिसका कितना टोटल बन जाता है, जिसका टोटल 24 मंथ दैट इज 2 ईयर्स का सिर्फ होता है 32,400. ओके, इससे भी आपको 10% और ऑफ हो जाएगा अगर आपने जो मेरा नाम है दैट इज SWAGATA स्वागता, इसको एज अ कोड अगर आपने अप्लाई किया, आपको 10% और भी ऑफ मिल जाएगा. राइट, अब हम लोग टेलीग्राम ऐप में भी, ये हमारा ग्रुप का ये लिंक है ना, ये नीट वॉया चैनल ये लिंक है, आप इस लिंक को टाइप कीजिए, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, यू कैन ज्वाइन है ना, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, यस गाइज, आई एम इन टेलीग्राम. हेलो मनु. Okay, hello Mrityunjay. So nice to see you all here. So let's start with our topic, an interesting topic, जिसमें आज हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में जानेंगे. And now we are going to gain some knowledge, extra knowledge, है ना. जिस अर्थ में हम रहते हैं उसी अर्थ के बारे में आज हमको थोड़ा सा देखना है कि उसमें हमारे अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और उनके बीच वो दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल है ना, बट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपने सेल्फ डिफेंस में वो यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट दे आर पॉइजनस. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज एनिमल. फर्स्ट एनिमल जो आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है, छोटा सा सेशन है ये आज बेटा, दैट इज नथिंग बट ऑस्ट्रेलियन मैंडरिन फिश. तो आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, हेलो कामा कामुक्षी. ओके, सो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बहुत ही क्यूट वाला फिश है ना, ब्लू कलर का, उसमें ऑरेंज एंड येलो कलर की स्ट्राइप्स भी है. सो यू कैन सी सच अ ब्यूटिफुल फिश एंड इट इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलियन मैंडरिन फिश. राइट, इसको मैंडरिन बोला जाता है, हमको पता है मैंडरिन इज नथिंग बट अ लैंग्वेज इन चाइना. राइट, बट ये मिलता ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में है, जापान के कोस्ट में भी मिलता है, जापान के जो कोस्टल सीज एरियाज है वहां भी ये मिलती है. ये मैंडरिन फिश छोटी सी होती है एंड इट लुक्स कि आप इसको ना पकड़ के अपने एक्वेरियम में रख सकते हो है ना, लेकिन पकड़ना ही तो मुश्किल है. इसने इसको अगर आपने पकड़ा, इसका साइंटिफिक नेम बेटा क्या है, सिंकाइरोपस स्प्लेंडिडस. इट्स अ स्प्लेंडिड एनिमल, इसलिए स्प्लेंडिडस क्यों. और बाय द वे इसको कॉमन नेम है ड्रैगनेट, इसको ड्रैगनेट बोलते हैं क्योंकि ये छोटा सा बेबी ड्रैगन टाइप ऑफ भी दिखता है, इसके फीचर्स वैसे है. तो क्यों नहीं हम पकड़ सकते, क्योंकि इनकी पूरी जो बॉडी है उसमें छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं एंड दी स्पाइंस ये सिक्रीट सर्टेन म्यूकस है ना, म्यूकस, म्यूकस इज नथिंग बट अ थिक सिक्रीशन जिसमें म्यूसिन प्रोटीन होती है. तो ये जो म्यूकस है, ओके हेलो गाइस,
चलो तो ये जो म्यूकस है ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है, तो एनीबडी ट्राइज टू ईट इट, और या फिर इसको आपने इस पर्टिकुलर म्यूकस सब आपने पकड़ने की कोशिश की इस फिश को, तो ये छोटे छोटे स्पाइंस आपके हैंड्स में या जो भी प्रेडेटर है जिसने भी इसको खाने की कोशिश की, जो बड़ी फिश वगैरह जो होती है सी में, उसमें ये म्यूकस इंजेक्ट कर देता है वो, राइट? सो दिस इज अ म्यूकस, नॉट अ म्यूकस, सॉरी, एंड इट इज टॉक्सिक, ठीक है, इट इज टॉक्सिक, तो बहुत इट मे कॉज मेनी सीरियस इफेक्ट ऑन टू द बॉडी, राइट? ये मैंडरिन फिश, आप इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन मैंडरिन, योर मैंडरिन फिश, ठीक है. सेकेंड जो हमारा यहाँ पे है फिश, सॉरी सेकेंड एनिमल, दैट्स अ मैमल, एंड वी कैन कॉल इट अ स्लो लॉरिस, राइट? सो लॉरिसेस आर, यू ऑल नो दैट दे आर एंसेस्टर, हमारा एंसेस्टर है, वी हैव इवॉल्व फ्रॉम दीज, एंसेस्टर ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, हमारा जो एंटायर ह्यूमन रेस है, एंटायर प्राइमेट रेस है, वो हम लोग लॉरिस से ही आए हैं, ठीक है? तो इट्स अ मैमल, ऑब्वियसली इट्स अ मैमल, है ना? तो ये लॉरिस वगैरह यूजुअली आपका जो यू नो ट्री श्रूज, लॉरिस, लीमर्स, टार्सियर्स, इन सारों से हम लोग आए हैं मोस्टली. ये कहाँ मिलते हैं? इंडोनेशिया वगैरह में आपको लॉरिस बहुत मिलेंगे. एज यू कैन सी सच, इट हैज सच अ यू नो इनोसेंट आईज, इतनी क्यूट फेस है इनकी, है ना? तो देख के इसे लगता है कि वी कैन मेक यू नो कीप इट एज अ पेट. आप रख सकते हो एज अ पेट इसको, लेकिन आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. एंड दिस पर्टिकुलर एनिमल शुड नेवर नेवर यू नो फील थ्रेटेड, ठीक है? ओके, नाउ सो एज आई वाज सेइंग अबाउट द स्लो लॉरिस, स्लो लॉरिस का साइंटिफिक नेम, यूजुअली इसका जीनस से अलग अलग स्पीशीज होती है, जो सारे स्पीशीज एक ही जीनस को बिलोंग करते थे, निक्टिसिबस. निक्टिसिबस, एज आई सेड दैट यू कैन सी दैट इट इज वेरी हार्ड टू रेजिस्ट द जेंटल आईज, इतनी जेंटल, इतनी क्यूट आईज है, बट दीज विशियस मैमल्स आर एक्चुअली वेरी वेनोमस, बहुत ही ज्यादा वेनोमस है. कैसे? ये क्या करते हैं कि जब भी इनको थ्रेटेंड फील होता है ना, तभी कोई भी प्रेडेटर आ रहा होगा, इनको लगता है कि अरे यार मुझे डर लग रहा है, तो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट लिकिंग देयर एंटायर स्किन. वो अपने पूरे जो फर है, स्किन तो नहीं, उनकी फर है, छोटी हेयर है, मैमल है, तो ऑब्वियसली हेयर तो प्रेजेंट होगा ऑल ऑफ द बॉडी. हमें पता है कि मैमल का सबसे जो मेन फीचर है, दैट इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, राइट? मोस्ट ऑफ द मैमल्स में हेयर प्रेजेंट होता है, सिवाय एक्वेटिक मैमल्स. एक्वेटिक मैमल्स में आपको यूजुअली हेयर दिखने को नहीं मिलता है, राइट? तो ये जो मैमल है ये क्या करता है, तुरंत अपनी पूरी की पूरी फर को लिक करने लगता है, और लिक करने से क्या होता है कि उनकी जो सलाइवा इनके फर में मिक्स हो जाती है, राइट? उनके पूरे फर में उनकी सलाइवा मिक्स हो जाती है, और ये जो सलाइवा है, दिस इज वेरी वेरी वेनमस, पॉइजनस है. तो जो भी प्रेडेटर उसको खाएगा, वो सलाइवा उनके बॉडी में जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसने प्रेडेटर, इट कैन डाई. Even when human try to handle them, आपने suppose pet किया किसी भी लॉरिस को, ऐसे ना प्यार से ऐसे pet किया, और उसके पूरे body में वो saliva लगी हुई है, तो आपका hands वगैरह भी swell up, inflammation you can see. और अगर कोई कटा हुआ जगह है, कोई wound है, open wound है आपकी body में, suppose आपकी यहाँ पे उंगली में कोई open wound है, और आपने उसी से ऐसे pet किया इस लॉरिस को, है ना, अरे कितना क्यूट है, तो आपके ओपन वुंड के अंदर अगर वो सलाइवा घुस गया, तो आपकी ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकती है. सो इट इज दैट मच वेनोमस, ठीक है? तो इस तरह से, हालांकि ये बहुत छोटे से एनिमल है, बट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ लाइक दिस. सो दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म वी कैन सी इन स्लो लॉरिसेस, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, ऑक्टोपस. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डीप सी ओशन में रहते हैं, राइट? लेकिन वो आपके पॉइजनस होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारे यूनिक एनिमल्स देखे थे, राइट? उसमें से कुछ पॉइजनस थे, कुछ नहीं थे. उसमें से बहुत सारे डीप सी एनिमल थे, जैसे कि एक ब्लॉब फिश था, मैंने आपको बताया था, है ना, जो ब्लॉब फिश यूजुअली जब वो अंदर रहता है ओशन के अंदर, डीप सी वाटर में, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपका, उस टाइम पे उसकी नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे हम उसको ऊपर लाते, क्योंकि कोई एंडोस्केलेटन नहीं है, पूरा जेलाटिनस मास से बना हुआ है, जैसे उसको सरफेस ऑफ द वाटर लाते हैं, तुरंत उसकी पूरी जेलेटिनस मास डीजनरेट होने लगती है, और इट लुक्स लाइक एज इफ द फिश इज मेल्टिंग, इट लुक्स लाइक अ सैड ह्यूमन फेस, है ना? तो वैसे ही आपका एक ऑक्टोपस भी है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू रिंग ऑक्टोपस. ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा ऑक्टोपस है, बहुत ही छोटा होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा दिख रहा है. ब्लू रिंग क्यों बोलते हैं? आपको दिख रहा होगा कि इसके पूरे बॉडी में ब्लू ब्लू कलर की ऐसे रिंग बनी हुई है, कैन यू सी दैट? ओके, सो दिस पर्टिकुलर
आपका जो ये ऑक्टोपस है, इट लुक्स वेरी क्यूट एंड मोस्टली पीपल गेट डिसीव्ड कि अरे इतना सुंदर है, चलो इसको अपने जाके एक्वेरियम में रखेंगे. तो पीपल इसको, लोग इसको पकड़ते भी हैं, लेकिन अगर इसको आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया और टच कर लिया, दे आर वेरी डेडली. और उनकी जो वेनम है, उनकी जो वेनम है वो 1000 times मच मोर स्ट्रॉन्गर देन साइनाइड. हमें पता है कि साइनाइड इज अ, यू नो, इट्स अ पॉइजन. साइनाइड क्या करती है, यूजुअली आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करती है ना, ब्रीदिंग रुक जाती है ना, आप अगर ऑक्सीजन ले भी रहे हो वो बाइंड नहीं हो पा रही होती है साइनाइड. सो इट इज 1000 times मोर स्ट्रॉन्गर देन साइनाइड. वॉट इट डज, इट कैन किल 26 ह्यूमन्स इन जस्ट मिनट्स. 26 लोगों को एक साथ वो मार सकती है, इतना ज्यादा पॉइजन है उसमें. ठीक है, तो ये इसका, ये भी एक जीनस से बिलोंग करते हैं. बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज दिखेंगे आपको रिंग ऑक्टोपस का, लेकिन सारे स्पीशीज एक ही जीनस को बिलोंग करती है, दैट इज नथिंग बट हेपालोक्लाइना. हेपालोक्लाइना को ये लोग बिलोंग करते हैं, दैट इज द जीनस, एंड दे आर क्वाइट ब्यूटिफुल. राइट, यहाँ भी आपको दिख सकता है जो ये जो टॉक्सिन है, मैं टॉक्सिन के बारे में आपको बताती हूँ कि ये क्या करता है. यूजली 1000 times मोर स्ट्रॉन्गर देन साइनाइड तो है, लेकिन करता क्या है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लू रिंग ऑक्टोपस यहाँ पे बना हुआ है स्ट्रक्चर, और दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन इज कॉल्ड एज टेट्रोडोटॉक्सिन. ये टेट्रोडोटॉक्सिन करता क्या है, मोस्टली ये आपकी मस्क्यूलर मूवमेंट को रोक देती है, कोई भी मस्क्यूलर मूवमेंट को रोक देती है. मस्क्यूलर मूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, न्यूरल कंट्रोल, है ना, न्यूरल रेगुलेशन चाहिए, है ना. आपने स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि एसिटिल कोलीन आता है, बाइंड न्यूरॉन्स एसिटिल कोलीन रिलीज करेगा, वो आके आपके मसल के रिसेप्टर पे बाइंड होगा, फिर वो सोडियम चैनल को ओपन कर देगा, फिर सोडियम अंदर जाएगा मसल से, इससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा. राइट, ये क्या करता है टेट्रोडोटॉक्सिन, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, तो सपोज ये आपका यहाँ पे एक न्यूरॉन का एंड है, ठीक है, ये न्यूरॉन का एंड है और यहाँ से आपका एसिटिल कोलीन रिलीज हुआ है. राइट, ये आपका मायोसाइट, ये सार्कोलेमा है, यहाँ पे उसके पास रिसेप्टर है किसके लिए, ये एसिटिल कोलीन को बाइंड करने के लिए. जैसे एसिटिल कोलीन बाइंड करेगी, हमें क्या पता है कि यहाँ पे एक छोटा सा चैनल होता है सोडियम चैनल, वो ओपन हो जाता है जिससे आपकी सोडियम अंदर आने लगती है. ठीक है, इसने क्या किया है, ये पर्टिकुलर टेट्रोटॉक्सिन ये जाके ये सोडियम चैनल में जाके जुड़ जाती है. राइट, तो सपोज ये टेट्रोटॉक्सिन इसने रिलीज किया, ये जाके इसमें अटक जाती है और ब्लॉक कर दिया सोडियम चैनल को. तो सोडियम बाहर होने के बावजूद भी ये अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके रिसेप्टर ब्लॉक हो गई है. राइट, तो अगर सोडियम अंदर जाएगी ही नहीं, ये क्या था आपका मसल सेल था, मसल सेल में गई ही नहीं, डीपोलराइजेशन हुआ, अगर डीपोलराइजेशन नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सो पैरालिसिस हो जाएगा प्रॉपर, देर इज नो कॉन्ट्रैक्शन एट ऑल. जैसे ही इसने अपना वेनम को इंजेक्ट किया, है ना, यू हैव टच्ड इट, आपने हाथ में लिया, अरे बहुत प्यारा है, कितना क्यूट लग रहा है, वाह वाह वाह, खत्म, वहीं पे पैरालिसिस होगा, डेड. ओके, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे कि मैंने आपको बोला, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है. सो दिस टेट्रोटॉक्सिन इज सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड इट इनहिबिट्स द फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल. डीपोलराइजेशन नहीं हुआ मतलब एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं बढ़ेगा, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन हमने पढ़ा था. राइट, नाउ सो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इसने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया. सो दिस प्रिवेंट्स द नर्वस सिस्टम फ्रॉम कैरिंग मैसेजेस एंड दस मसल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग इन रेस्पॉन्स टू नर्वस स्टिम्यूली. नर्वस स्टिम्यूली आ रहा है बट आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. राइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, है ना, इस ह्यूमन को मे भी पता नहीं होगा, सोच रहा होगा कितना क्यूट है, उसने अपने स्विमिंग पूल से इसको निकाला है, एंड ऑफकोर्स इफ इट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट द वेनम, दिस पर्सन इज अ गॉनर. ओके, सो वी कांट हेल्प हिम. सो दिस ये जो हम आज सेशन कर रहे हैं, कुछ चीजें हमें इससे पता भी चल रही है कि यार हम एवर एनकाउंटर अ ब्लू रिंग ऑक्टोपस, आपको कभी भी उसे छूना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना, उसको जाने दो. और ऐसा भी नहीं, अरे अरे मैम ने बोला था पॉइजनस, चलो मार देते हैं इनको, नहीं, मारना नहीं है, उनको हक है जीने का. वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम जैसे ह्यूमन इनको तंग करते हैं, इसीलिए उनके पास ये सारे मेकानिज्म है, और ऑब्वियसली प्रीडेटर से बचने के लिए है. ठीक है, चलो, ओके जी, चलो बढ़िया. हाँ जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल, लेट सी कौन सा हमारा नेक्स्ट एनिमल है, दैट इज वुल्वरीन. ओके, वुल्वरीन कौन है, हम सब लोगों ने एक्समैन तो देखा होगा, है ना, तो एक्समैन के हम लोग बहुत बड़े फैन है, बहुत लोग बहुत बड़े फैन है ना. और एक्समैन जो सबसे जो फेमस एक्समैन एक हम जानते हैं अपार्ट फ्रॉम चार्ल्स जे ज़ेवियर, दैट इज नथिंग बट योर वुल्वरीन.
and that was played by nothing but Hugh Jackman. Okay, so I was just kidding. I'm not going to talk about Hugh Jackman here, but although I'm a very big fan, so let's talk about the actual Wolverine. Meet the real Wolverine in the nature. This is an actual Wolverine जिससे inspire होके वो character बना था X-Men का, है ना? जिससे inspire होके वो character बनाया गया था आपका Wolverine, that is played by Hugh Jackman in the movie. So ये है आपकी real Wolverine. देख के तो छोटा सा बियर टाइप ऑफ दिखता है, बेयर और फिर आपका नॉट योर बेयर एंड डॉग, इन दोनों का मिक्सचर दिखता है, राइट? बट ये है क्या, चलो देखते हैं. इसका साइंटिफिक नेम है ग्यूलो ग्यूलो, ओके? और इट्स अ सॉलिटरी एनिमल, ये कभी भी ग्रुप में या पैक में नहीं रहता है, ठीक है? आप हमेशा अगर यूजुअली अगर वाइल्ड डॉग्स को देखोगे या बेयर को देखोगे तो दीज गाइज आर ऑलवेज इन अ पैक, अपनी फैमिली के साथ रहती है, तो ये आपके सॉलिटरी एनिमल है, अकेले घूमती है. और ये बहुत ही फेरोशियस है, देखने से तो लगता है कितना क्यूट सा फ्लफी फ्लफी डॉग है, मस्त घूम रहा है, चलो थोड़ा सा जाके इसको पेट करके आते. नहीं, दे आर नोन टू किल ह्यूमंस एज़ वेल. इनकी एक बाइट, इनकी सलाइवा भी पॉइजनस होती है, ज्यादा पॉइजनस नहीं है, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत गुस्से वाले होते हैं, किसी को भी अटैक कर देते, राइट? हेलो अमन, ओके, हाँ जी. So, किसी को भी अटैक कर देते. सो दिस इज योर एक्चुअल वुल्वरीन हियर, एंड दे कैन किल इवन सम एनिमल्स लार्जर देन देयर बॉडी. इट कैन ऑल्सो किल अ ह्यूज जिराफ को भी ये मार सकता है अगर इसके सामने आ गया. ऑल्दो दोनों का ट्रॉपिक जो रीजन है, हैबिटेट है, वो बिल्कुल अलग है. आपको जिराफ अलग रीजन में मिलेगा, ये आपको अलग रीजन में मिलेगा, लेकिन अगर सामने आ गया इट कैन ऑल्सो किल अ जिराफ एज वेल. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर वुल्वरीन, द नेचर्स वुल्वरीन हियर. सो यू कैन सी द शार्प टीथ, द जॉ इज ओपन हियर, कैन यू सी द जॉ ओपन? सो यू कैन शी सी द शार्प टीथ, एंड दिस इज हाउ दे ईट. ऑब्वियसली ये जो फर है उनके पूरी बॉडी में, फर उनको प्रोटेक्ट करते बिकॉज दे लिव इन हार्श एनवायरमेंट, है ना, बहुत स्नोवी एरियाज में, फ्रॉस्टी एरियाज में ये रहते हैं, राइट? और फ्रॉस्टी एरियाज में क्योंकि ये रहते हैं, अगर इनको कोई मीट वगैरह मिलता है जो फ्रीज्ड है ना, फ्रोजन में है, राइट, तो उसको भी तोड़ने के लिए इनकी शार्प टीथ, ये शार्प कनाइन हेल्प करती है, राइट? सो दिस फ्रॉम दिस वुल्वरीन, इसकी फेरोशियस नेचर से इनकी जो क्लॉज वगैरह होती है बहुत शार्प होती है, और इसकी वजह से ही ये जो आपका वुल्वरीन कैरेक्टर था एक्समैन में वो इंस्पायर हुआ था, राइट? ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल. हमारे नेक्स्ट एनिमल के बारे में बात करते हैं. ओ हो हो, आई लव दिस एनिमल. दिस इज कॉल्ड एज कोमोडो ड्रैगन. आई नो इट लुक्स अ बिट यू नो डेंजरस, आई नो आई एम वियर्ड, आई लाइक दिस काइंड ऑफ एनिमल्स. क्यों? मैं आपको एक कहानी बोलती हूँ. मैं जब छोटी थी ना, मैं यूजुअली बहुत ही स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ पे जब जहाँ रहती थी मैं, तो मुझे याद है कि मेरे घर के थोड़ा साइड पे ही एक बहुत बड़ा ना बुचर शॉप था. आई रिमेम्बर बुचर शॉप, आपको पता ना जहाँ पे मीट वगैरह काटा जाता है, राइट? तो वो बुचर थोड़ा सा मेरे घर से थोड़ा सा दूरी था, बट दिखता था घर से, है ना? तो मुझे याद है कि वो बुचर शॉप में लाइक यू नो मीट वीट काटने के बाद जो भी उसकी कारकास होती थी, वो कारकास वो बंदा पीछे अपने दुकान के पीछे फेंकता रहता था, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर, और उसके दुकान के पीछे एक छोटा सा डिच टाइप ऑफ था, है ना, थोड़ा सा बना, मतलब ऐसे बंजर भूमि टाइप ऑफ थी, जहाँ थोड़ा जंगल जंगल था, छोटे छोटे ऐसे ग्रासेस थे, कोई यूजुअली जाता नहीं था वहाँ पे, वो ऐसे एबंडेंट एरिया था, उसके पीछे ही हमारा घर था. तो आई रिमेम्बर कि उस ठीक बुचे शॉप के पीछे पूरी फैमिली रहती थी कोमोडो ड्रैगन की, है ना, बहुत सारे ऐसे मतलब कोमोडो ड्रैगन की फैमिली रहती थी, आई रिमेम्बर. तो वो मस्त वो जो भी वो बुचर शॉप अपना काटने के बाद जो भी कारकास फेंकता था एनिमल वेनिमल का, वो मस्त खा खा के एकदम क्रोकोडाइल जैसी बड़ी हो गई थी, वो इतनी बड़ी हो गई थी वो पूरी की पूरी फैमिली कोमोडो ड्रैगन की. और यूजुअली सर्दी के टाइम पे, सो जस्ट बिकॉज दे आर रेप्टाइल्स, तो आपको विंटर सीजन में रेप्टाइल्स ज्यादा बाहर घूमते हुए नहीं दिखेंगे. मोस्ट ऑफ देम दे गो फॉर हाइबरनेशन, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं स्नेक्स वगैरह, लेकिन गर्मी के मौसम में ये बाहर आ जाते थे बहुत ज्यादा. और वो अपने जगह को छोड़ के, वो बंजर भूमि को छोड़ के, मुझे याद है हमारे आंगन में भी वो आ जाते थे. एक बार क्या हुआ कि मैंने अपना दरवाजा खोला बाहर जाने के लिए, और मेन गेट जो था और नीचे सीढ़ी टाइप ऑफ थी, और वो सीढ़ी के ऊपर लेटी हुई थी, और मैंने बिना देखे इसे खोल के पैर रखने के, और तभी मुझे वो दिख गया, मैंने चुपचाप अपना पैर ऊपर कर दिया. अगर मैंने उसके ऊपर पैर रखा होता तो अब तक तो ये मुझे काट चुकी होती. यूजुअली ये काट के ना भाग जाती है, ठीक है, भाग जाती है, और ये वेट करती है क्योंकि इसको पता है कि मैंने जिसको काटा है, मेरा सलाइवा बहुत वेनमस है, 24 आवर्स में तो ये पक्का मर जाएगी, फिर मैं वापस आऊँगा इसको तब खाने के लिए आराम से, क्योंकि तब तो मर चुकी होगी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, है ना, तो आराम से आई कैन ईट इट.
तो यही काम कोमोडो ड्रैगन करता है, जिसका साइंटिफिक नेम है वैरनस कोमोडोएंसिस एंड दिस कोमोडो ड्रैगन इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट लिजार्ड, सबसे बड़ा लिजार्ड है, इट बिलोंग्स टू लिजार्ड, ठीक है, ये लिजार्ड फैमिली को बिलोंग करता है, सबसे बड़ा लिजार्ड है, ठीक है। एंड एज द नेम सजेस्ट ड्रैगन, हाँ ये फायर ब्रीद नहीं करते, जो हमारा जो माइथिकल क्रीचर है ना ड्रैगन के बारे में भी, सो दोज हु आर इनटू फिक्शन दे रियली लव एवरीथिंग अबाउट ड्रैगन, राइट, सो दे डू नॉट ब्रीद फायर, दे डू नॉट फ्लाई लाइक अ ड्रैगन, बट दे हैव देयर ओन सुपर पावर्स। एंड वॉट इज देयर सुपर पावर? देयर सलाइवा, यू कैन सी द सलाइवा हैंगिंग फ्रॉम देयर स्नाउट, कैन यू सी द सलाइवा, है ना, पूरे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो ये सलाइवा बहुत ही वेनोमस होती है और ये किसी को भी काट ले, सलाइवा उन बॉडी में ब्लड में एंटर हो जाए, इट इज सो पॉइजनस दैट द एनिमल विल पेरिश विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में ये पक्का मर जाएगा, ठीक है, ओके परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यही आपका कोमोडो ड्रैगन है, सो यू कैन सी, अब आपको क्लोज विजन दिख रहा होगा, है ना, ये अपने साइज से ज्यादा बड़े एनिमल को भी खा सकते हैं, जस्ट लाइक कैसे पाइथन कैसे खाती है, अपने बॉडी के साइज से भी बड़े एनिमल को ये खा सकती है, ठीक है, ओके, हाँ जी, लार्जेस्ट लिजार्ड से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन स्मॉलेस्ट लिजार्ड से मुझे डर लगता है, बिल्कुल लगता है, नॉट डर, मैंने आपको बोला था कि मुझे थोड़ा सा टैकी लगता है, ठीक है, बट एक्चुअली ये लोग बहुत शांत होते, ज़्यादा परेशान नहीं करते, धीरे धीरे अपना घूमते रहते हैं, इसको इनको छोड़ दो इनके हाल पे, ये किसी को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, अगर आपने इसे अटैक किया तो ऑब्वियसली आपको अटैक करेगा, ठीक है, और इनकी जॉ बहुत स्ट्रांग होती है, वेरी वेरी स्ट्रांग, ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे ये पूरे एंटायर मंकी को खा रहा है, कैन यू सी द कोमोडो ड्रैगन ईटिंग द एंटायर मंकी, पूरा निगल जाती है मंकी को, तो अपने से भी बड़े एनिमल को ये खा सकती है, यहाँ पे ये डियर को खा रही है, हालांकि ये बहुत थोड़ा छोटा सा कोमोडो ड्रैगन है, तो काट काट के खा रही है, एंड देखो डियर इज, ये जिंदा है डियर, है ना, तो इसने सलाइवा तो सिक्रीट कर दिया है, अब ये डियर जो है धीरे 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 थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो रहा है, अब वो पूरा मर जाएगा 24 आवर्स में, ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट एनिमल देखें, नेक्स्ट एनिमल के बारे में बात करते हैं, चलो तो नेक्स्ट एनिमल के बारे में बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक बर्ड है, इसकी बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है, इस बर्ड का देख के लग रहा है कहीं से भी कि ये पॉइजनस हो सकता है, यू थिंक दिस बर्ड, दिस ब्यूटीफुल लिटिल बर्ड कैन बी पॉइजनस, है ना, लगता नहीं है बट ये है, ठीक है, यूजुअली बर्ड से ह्यूमन का डेथ जो हमारे अर्थ यूजुअली हमारे वर्ल्ड में होता है, बहुत सारे बर्ड यूजुअली मारते हैं ड्यू टू दे कैरी मेनी डिजीजेस, या वी नो दैट द बर्ड अगर उनको लगे कि वो अटैक फील करे तो आपको उल्टा अटैक करेंगे, हमने ये चीज़ देखा हुआ है ना, लेकिन ये छोटी सी बर्ड जिसका साइज ऑलमोस्ट ना मतलब पिजन की भी हाफ साइज की होती है, ये है ना, इसको हम बोलते हैं हूडेड पिटोवी, सो दिस हूडेड पिटोवी जिसका साइंटिफिक नेम है पिटोवी डिक्रॉस, पिटोवी डिक्रॉस, ये इतना इनोसेंट लुकिंग बर्ड है, इसकी जो फेदर्स का कलर इतना ब्राइट येलो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, मिलता कहाँ पे, न्यू गिनी में, इट्स अ सॉन्ग बर्ड क्योंकि इनकी बहुत ब्यूटीफुल वॉइस होती है, बट दिस इज पॉइजनस, कैसे पॉइजनस, ये एक थोड़ा अलग है ये बर्ड, ठीक है, ये पॉइजन ना खुद अपनी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करता है, ये किसी और एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है टू गेन द पॉइजन, एक तरह का बीटल होता है, पॉइजनस बीटल होता है, उस बीटल को ये खाता है, तो उस बीटल के बॉडी का जो पॉइजन है इनके बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहती है, लेकिन इनको नहीं मारती है, ये एक्यूमुलेट होके ये क्या, ये न्यूरोटॉक्सिन है एक तरह का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, न्यूरोटॉक्सिन है, ये न्यूरोटॉक्सिन फिर इनके बॉडी में और एक्टिवेट होके इनके बर्ड की फेदर्स इनकी स्किन में एक्यूमुलेट होती रहती है, ठीक है, और अगर आपने टच किया, हालांकि न्यूरोटॉक्सिन आपको मारेगी नहीं, इट्स नॉट दैट लीथल, बट बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सो आपने इस बर्ड को उठाया और बहुत अच्छे से ना प्यार किया कि अरे कितना क्यूट है ऐसे करके, तो वो पॉइजन अगर आपके हाथ में गया या आपके बॉडी में टच हुआ, इट कैन फील यू नो नमनेस, क्योंकि वो न्यूरोटॉक्सिन है, आपकी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगी, राइट, तो यू कैन फील नमनेस, टिंगलिंग, स्नीजिंग, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर गया तो ऑब्वियसली वो डेडली भी हो सकता है, और ये सेम पॉइजन आपकी पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स में भी होती है ना, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स के बारे में भी मैं बात करूंगी, वो भी बहुत ही छोटे से क्यूट से कलरफुल एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो भी पॉइजनस होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ये पॉइजन क्योंकि वो किसी और से ले रही है ना, ये किसी और को खा के, किसी बीटल को खा के एक्यूमुलेट कर रही है, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही है, थोड़ा वीक है ये, ठीक है, थोड़ा वीकर होता है, ओके परफेक्ट, हेलो हेलो छवि, चलो बढ़िया,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपका पॉइजन डार्ट फॉग, जिसके बारे में मैं आपको भी बता रही थी, है ना, पॉइजन डार्ट फॉग। देखो ये छोटे छोटे ब्लू कलर के आपको दिख रहे होंगे, सो एडोरेबल, सो क्यूट, सो स्मॉल, बट दे आर हाईली हाईली पॉइजनस, राइट? यू हैव सीन इन मेनी मूवीज में वगैरह दिखाते हैं कि लाइक यू नो किसी को मारना होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक स्टिक में या फिर किसी डार्ट में ये पॉइजन को लगा के फिर उस पर मारते हैं, राइट? तो यूजुअली आपकी अगर ज्यादा मात्रा में गई तो इट इज वेरी मच लीथल फॉर एनी ह्यूमन बींग या लार्जर एनिमल, ठीक है? तो ये कैसे होता है यूजुअली, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइलोबेट्स। फाइलोबेट्स इज द जीनस, ठीक है? इसके अलग अलग स्पीशीज होते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्पीशीज है अलग अलग कलर का, यू कैन सी, ओके ना, सो यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट कलर के स्पीशीज है, कुछ ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के, अलग अलग कलर के ये मिलते हैं, राइट? एंड दे सीक्रेट अ वेरी डेंजरस अल्कलॉइड टॉक्सिन थ्रू देयर स्किन एज अ डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, ठीक है? तो यूजुअली ये फ्रॉग्स क्या करते हैं, इनकी जो ये कलर है, ये कलर इनको इसीलिए नहीं अपना कलर पिगमेंटेशन रखते बॉडी का कि देखो मुझे सुंदर दिखना है, ठीक है, नेचर में आई वॉन्ट टू लुक वेरी ब्यूटिफुल, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ट्राइंग टू इवेट द प्रीडर, वो डराने की कोशिश कर रही है सामने वाले प्रीडर को कि प्रीडर देख के ही समझ जाए कि ब्राइट कलर है, ये कलर डेंजरस है, ठीक है, तो मुझे इसे नहीं खाना है, ठीक है? देखो कोई भी एनिमल अगर आप पॉइजनस है, सपोज एक ए एनिमल है ये पॉइजनस है, ठीक है, अब एक एनिमल आया बी, ये प्रीडेटर है, तो ये आके इसको नहीं पता ये पॉइजनस है, ठीक है, इसको पता है कि ये है, तो ये बी ने आके क्या किया, इसको खाया, खाने के बाद ये तो मरा ही और ये भी मर गया, तो इनकी स्पीशीज तो खत्म हो ही रही है ना, इनका प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है, सब आके खा के जा रहे हैं और मार ही रहे, तो इनके पॉइजनस होने का क्या फायदा है, वो खुद भी तो मर ही रहे हैं ना, हाँ वो प्रीडेटर को मार रहे, बट वो उनकी खुद की भी तो पॉपुलेशन डाउन हो रही है, तो इस वजह से ये लोग क्या शो करते, ये लोग एक कुछ तरह पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू नो प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि कलर, ये कलर से पता चल जाता है प्रीडेटर को कि अरे यार ये ए वाला जो है ना ये पॉइजनस है, तो ये इसको नहीं खाएगा, नहीं खाया तो ये बचा ना, इसका पॉपुलेशन बढ़ा ना, है ना, इसकी पॉपुलेशन सर्वाइव करी और ये भी बच गया, इसको इसने डिस्टर्ब नहीं किया, ये अपनी जिंदगी में खुश है, ये अपनी जिंदगी में खुश है, ठीक है, ओके जी, चलो। तो इस तरह के आपके कुछ पॉइजनस फ्रॉग भी होते हैं, इस तरह का वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो यहाँ पे आपके कुछ पॉइजनस फ्रॉग का यहाँ पे GIF है, सो यू कैन सी दे हैव डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है विद ब्लैक स्पॉट्स, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का भी एक दिख रहा है पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ठीक है। तो चलो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, हेलो पवन, ओके चलो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज नथिंग बट ब्लू ड्रैगन, ठीक है। ब्लू ड्रैगन इतना सुंदर दिख रहा है, यू कैन सी इट्स जस्ट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर, एक्चुअली ये ना ही रेप्टाइल है ना ही ड्रैगन है, इट्स अ सी स्लग। सी स्लग, सी स्लग किसको बिलोंग करते हैं, मोलास्का, तो ये आपका एक इनवर्टिब्रेट है, ये मोलास्क है, इट बिलोंग्स टू अ मोलास्का फाइलम, ठीक है, ये छोटा सा मोलास्का है, और हमें क्या लगता है कि कोई भी मोलास्का होगा तो उसका एक शेल होगा, क्योंकि सॉफ्ट बॉडी, मोलास्का का मतलब क्या होता है, मोलास्का मीन्स सॉफ्ट बॉडी, तो सॉफ्ट बॉडी है मतलब उसको कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग भी चाहिए, जैसे शेल वगैरह हम देखते हैं, लेकिन सारे मोलास्का को उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ऑक्टोपस भी मोलास्क है, क्या आप उसके बॉडी के ऊपर शेल देखते हो, नहीं देखते हो, स्क्विड वो भी एक मोलास्क है, उसके ऊपर हमें शेल दिखता है, नहीं दिखता है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोलास्का दे आर शेललेस, शेल इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन देयर बॉडी। इनकी साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लॉकस एटलांटिकस, राइट? तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ पॉइजनस सी स्लग। तो ये पॉइजन आया कहाँ से है, ये भी आपका वो जो बर्ड में आपको समझा रही थी ना, उसी बर्ड की तरह ही है, वो खुद पॉइजन नहीं प्रोड्यूस करती है, वो पॉइजन किसी से एक्वायर करती है, है ना, किसी से एक्वायर करती है, कहाँ से एक्वायर की है, सी, सो दिस पर्टिकुलर सी स्लग इट फीड ऑन सर्टेन लोअर वर्टिब्रेट्स, ये खुद भी एक लोअर इनवर्टिब्रेट, ये खुद भी एक इनवर्टिब्रेट है और कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट को खाती है, जैसे कि आपकी पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ये पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर क्या है, दिस इज नथिंग बट अ निडारिया, राइट? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइजेलिया, तो फाइजेलिया इज अ निडारिया, है ना, निडारिया इज अ लोअर इनवर्टिब्रेट, तो लोअर इनवर्टिब्रेट निडारिया का मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, हमें पता है कि निडारिया को हम निडारिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में नीडोब्लास्ट होता है ना, नीडोब्लास्ट या नेमाटोब्लास्ट, सो दैट इज अ स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग ऑर्गन,
है ना। तो ये पर्टिकुलर, हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोस्टल एरियाज में मिलते हैं आपके मोस्टली इन द जापान एरियाज एंड ऑल, ठीक है ना। सो दिस निडारिया, एज वी नो दैट इट कंटेन्स नीडोब्लास्ट, और नीडोब्लास्ट का काम क्या है यूजुअली, नेमेटोसिस्ट या जो नीडोब्लास्ट होते हैं ये डिफेंस स्ट्रक्चर है, राइट। और ये वेनोमस भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जेलीफिश जो स्टिंग करती है, जेलीफिश भी निडारिया जो स्टिंग करती है, दैट इज नथिंग बट ड्यू टू द नीडोब्लास्ट। बहुत ज्यादा स्टिंग अगर किया तो यू कैन एक्चुअली डाई ड्यू टू दिस टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन होता है, हिप्नोटॉक्सिन होता है एक्चुअली उसमें, ठीक है। सो दिस नीडोब्लास्ट हियर इट कंटेन्स नथिंग बट हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है, हिप्नोटॉक्सिन। तो ये हिप्नोटॉक्सिन कैन पैरालाइज अ प्रे, इट कैन ऑल्सो किल अ प्रे अगर ज्यादा अमाउंट में हुआ। तो ये सेम, ये क्या करती है, सी स्लग इनको खाती रहती है, ये निडारियंस को खा खा के इनकी जो ये वेनोमस नेमेटोसिस्ट है ये खुद स्टोर कर लेती है, right? So these sea slug stores the stinging nematocyst. Nematocyst is nothing but the needleblast only. They are also called as nematocyst, ठीक है। तो आपकी नेमेटोसाइट और नेमेटोसिस्ट उनके अंदर का ऑर्गन है। So from the siphonophore, siphonophore is nothing but this cnidaria, Portuguese man of war, from the siphonophore within its own tissue. तो ये actually acquire करती है किसी और को खा के, right? As a defense against predators. और जिन भी ह्यूमन हैंडलिंग द स्लग में रिसीव अ वेरी पेनफुल एंड पोटेंशियली डेंजरस स्टिंग, जो सेम स्टिंग आपको जेलीफिश वगैरह को पकड़ने से होता है या फाइजेलिया को, सेम स्टिंग आपको भी वही तकलीफ देगी। और अगर ज्यादा अमाउंट में हुआ, इट कैन पैरालाइज यू, इट कैन ऑल्सो किल यू इफ इट इज मोर इन नंबर, राइट। सो दिस इज अगेन अनदर वीडियो ऑफ अ ब्लू ड्रैगन, सो यू कैन सी द वे इट इज मूविंग, इट्स सो ब्यूटिफुल, बट इट इज अ स्लग, इट इज अ मोलस्का, इट इज नॉट अ रेप्टाइल, नाइदर अ फिश, right? Again, another structure of a baby and a mother, see your blue dragon here, okay? Chalo, badhiya. Nahin, Ritik, class time ko change nahin hua hai, Sunday ko classes usually koi alag time pe hota, jisme hum log ko special class karte, jise aaj ka special class ye tha humara, right? So, I hope you have enjoyed these animals, theek hai, aaj humare paas itne hi animals the, aur bhi bahut sare animals leke, main next Sunday wapas aungi, kuch aur videos leke, alag tarike ka, है ना, विल टॉक अबाउट इट। बट क्योंकि हम थोड़े से रिलैक्स हो गए, हमने थोड़ा दुनिया के बारे में जान लिया, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन की सिचुएशन में हम बाहर नहीं जा पा रहे, जो हमें जाना भी नहीं चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा दुनिया, वी आर मिसिंग द वर्ल्ड, सो लेट मी ब्रिंग द वर्ल्ड टू यू, है ना, लेट मी ब्रिंग ऑल द एक्स्ट्रा नॉलेज टू यू। ऑब्वियसली वी कैन वॉच ऑल दीज थिंग्स ऑन नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स एंड एवरीथिंग, बिल्कुल अच्छा लगता है, वो बहुत जरूरी भी है। लेकिन आजकल कितने लोग नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं, सबको अपना मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब होता है। मैं भी करती हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आई होप यू फील यू नो मच मोर रिलैक्स, थोड़ा अच्छा लगा अच्छी चीज़ों के बारे में जान के। तो अब आप लोग फ्रेश हो गए हो, तो नेक्स्ट आपका जो भी टॉपिक है, जो भी एजुकेटर आप पढ़ाने वाला है आपको आके, आई होप यू विल बी मोर फ्रेशर देन एवर। एंड आपको पता है कि 2 बजे आज मेरा यहाँ पे स्पेशल ऐप में आपका डाउट सेशन है, तो आप अभी अपनी किताब, मैंने कल रात को ही बोल दिया था कि जितनी भी डाउट्स है आप अपने आज ही रात को सारे निकाल लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, कल मुझे पूछिए। तो अभी तक अगर आपने वो नहीं किया है, अभी आपके पास टाइम है, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट है ना, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है, तो आप जल्दी से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी डाउट्स है उसे आप ढूंढिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, और हम लोग ऐप में मिलेंगे 2 बजे। आप अपनी डाउट्स मुझे पूछिए जो रिलेवेंट है, रिलेवेंट टू द टॉपिक, ठीक है, एकेडमिक डाउट्स। And I'll be also bringing some MCQs to you, है ना, form human reproduction की कैसे possible question NEET में आ सकता है human reproduction से, वो question भी मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है। So there will be a live poll, quiz and there will be doubt session. So all in one session होगा आज आपका app में, ठीक है। So I'll see you all at 2 o'clock. But before I leave, I let me tell you how to download the learning app. So please आप अपना Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, प्लस फ्री कोर्सेस एंड स्पेशल क्लासेस। तो स्पेशल क्लास एंड फ्री कोर्सेस दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, आज जो आपका डाउट क्लास है वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशल क्लास है, राइट। और प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड ऑब्वियसली क्वालिटी इज मच मच बेटर देन एनीथिंग। सो आप प्लस में क्लिक कीजिए, नीट यूजी पे क्लिक कीजिए एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के ऑब्वियस लेने का तरीका क्या है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, राइट, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर आप नीट 2021 के लिए अपीयर कर रहे हो, दैट इज नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ओके पवन, परफेक्ट, हाँ जी,
ओके सो एज आई वाज सेइंग नीड 2021 के लिए अगर आप अपीयर करो मे बी आप एक अपने एक साल का रिपीट करने का सोचा है मे बी आप 12th में हो तो आप ये 12th मंथ वाला ले सकते हो 2500 पर मंथ देके और अगर आप नीड 2022 के लिए अपीयर कर रहे हो तो आप ये 24 मंथ्स वाला ले सकते हो दैट इज 1500 पर मंथ ओनली दो साल का आपका टोटल हो जाता है 32,400 जिसमें से आपका 10% और भी ऑफ हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने जो मेरा नाम है दैट इज SWHEATS भागता इसको एज अ कोड अगर अप्लाई किया यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन दिस टोटल अमाउंट ठीक है सो आई विल सी यू ऑल एट 2 PM टुडे Right, and I'm gonna end the show here. I hope you had you enjoyed this session. I hope it has relaxed your mind. So please take care of yourself. I'll see you at 2 PM on Unacademy platform for the special class.